एसडीपी मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसडीपी मैथ्स ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि एक पॉलिनोमियल्स का जो जीरोस है इसके साथ पॉलिनोमियल्स का कोफिशिएंट का क्या रिलेशनशिप है। ये समझने के लिए हम एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 चुन लेते हैं। क्वेश्चन 4 में देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो चीज बोला गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस निकालना होगा, उसका बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है किसके साथ, जीरोस के साथ एंड पॉलिनोमियल्स का जो कोफिशिएंट है इस कोफिशिएंट के साथ इसका जीरोस का रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है। इसीलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को चुन लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में है 4u² प्लस 8u। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो है ये है 2, लेकिन इसका कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है। यहाँ पे दोस्तों कांस्टेंट टर्म है 0, तो इसका हमें जीरोस निकालना है। अभी जीरोस निकालने के लिए आइए सॉल्यूशन में देखते हैं। 4u² प्लस 8u, यहाँ पे हम लोग पहले कॉमन ले लेंगे, 4 और 8 दोनों में से 4 कॉमन होगा, फिर u² एंड u में से u कॉमन होगा, ब्रैकेट में लिखेंगे u प्लस 2। अभी देखिए आइदर और करेंगे, आइदर 4u इक्वल टू 0, 4u यहाँ से आया, इम्प्लाइज u इक्वल टू 0/4, 4u के साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल टू का उस पर जाने से होगा 0/4, 4 डिवाइड होगा, इम्प्लाइज u इक्वल टू 0/4 यानी कि 0। और में हम लोग लिखेंगे u प्लस 2 इक्वल टू 0, u प्लस 2 यहाँ से आया, इम्प्लाइज u प्लस 2 यानी कि प्लस 2 जो है इक्वल टू का उस पर जाने से होगा -2, इसीलिए हम लोग लिखेंगे u इक्वल टू -2। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो जीरोस निकल गया, एक है 0 और दूसरा है -2, इसीलिए हम लोग लिखेंगे therefore the two roots of the given quadratic polynomials are 0 and -2। अभी 0 को हम लोग ले लेंगे अल्फा एंड -2 को लेंगे बीटा, इसीलिए लिखेंगे let alpha equal to 0 and beta equal to -2। इतना तक हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस निकल गया। अभी हमें इन जीरोस के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है उनसे क्या संबंध है ये निकालना है। तो हमें अभी लिखना होगा, नाउ द सम ऑफ द टू जीरोस, जो 0 एंड -2 है इन दोनों का प्लस करना है, इसीलिए लिखेंगे नाउ द सम ऑफ द टू जीरोस, ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -2, इसीलिए अल्फा के जगह लिखेंगे 0, प्लस करना है इसीलिए बीच में देंगे प्लस, और बीटा प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू है -2 इसीलिए हम लोग लिखेंगे -2, 0 प्लस माइनस -2 होगा, 0 -2 मतलब -2 होगा। अभी -2 का नीचे कुछ नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर है 1 और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ हम लोग 4 इंटू किया, दोनों के साथ अगर सेम वैल्यू इंटू किया जाता है, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ एक सेम नंबर अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसीलिए 4 इंटू -2 -8 होगा, और 4 1 4 नीचे 4 होगा। अभी इस 4 को हम लोग किस लिए मल्टीप्लाई किया ये भी एक सवाल उठता है। देखिए 4 इसीलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हम लोगों का क्वेश्चन में ग्राफ में देखिए u का कोफिशिएंट था 8,
अभी जो माइनस टू के साथ फोर इंटू करने से हमें एट मिलेगा, इसीलिए हम लोग न्यूमरेटर में फोर इंटू किया। न्यूमरेटर में फोर इंटू किया इसीलिए डिनोमिनेटर में भी फोर इंटू किया। अभी देखिए माइनस और एट मतलब कोफिशियंट ऑफ यू, इसीलिए न्यूमरेटर में लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ यू और डिनोमिनेटर में लिखेंगे फोर, फोर मतलब यू स्क्वायर का कोफिशियंट, इसीलिए डिनोमिनेटर में लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ यू स्क्वायर। ये जो माइनस एट है ये देखिए यू का कोफिशियंट, और फोर जो है ये देखिए यू स्क्वायर का कोफिशियंट। अभी हमें इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट निकालना है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे अगेन प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोस, यानी कि अल्फा एंड बीटा में मल्टीप्लाई करना है। इसीलिए अल्फा बीटा इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू है जीरो और बीटा का वैल्यू है माइनस टू, जीरो के साथ माइनस टू इंटू किया तो जीरो आएगा। जीरो का नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब हम लोग जीरो का नीचे डिनोमिनेटर एक फोर दे सकते हैं, क्योंकि जीरो का नीचे अगर फोर दे भी दिया तो उसका वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा, जीरो ही रहेगा। तो अभी देखिए हम लोग जीरो मतलब कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ पे देखिए जो जीरो है ये जीरो कॉन्स्टेंट टर्म इसीलिए है, पहले ही मैं क्वेश्चन में बता दिया था ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, इसीलिए हम लोग ऊपर में जो जीरो आया ये हो गया कॉन्स्टेंट टर्म, इसीलिए हम लोग लिख दिया कॉन्स्टेंट टर्म, और नीचे जो फोर आया ये हो गया यू स्क्वायर का कोफिशियंट। आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं हम लोग का क्वेश्चन था फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू, यहाँ पे जीरो है कॉन्स्टेंट टर्म क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, और फोर जो है ये फोर है यू स्क्वायर का कोफिशियंट, इसीलिए हम लोग फोर के जगह डिनोमिनेटर में लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ यू स्क्वायर। तो ये था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस एंड उसका कोफिशियंट के साथ रिलेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।